तो अब हमने बात कर ली है कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक को जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, नॉन स्टॉक आइटम को ऐड कर सकते हैं और कैसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी स्टॉक लॉस्ट हो जाता है किसी भी की वजह से, चोरी की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स में आके जो है वो एक चीज दिखा देता हूं। यहां पर हम रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं और रिपोर्ट्स में आके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो ये अब हम रिपोर्ट्स में आ गए हैं और यहां पर मैं एक बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूं और अपने पास एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट आ गई है। आप देखिए बैलेंस शीट में मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन आ रही हैं क्योंकि हमने अपना जो है वो स्टॉक जो है वो ऐड किया था जिसके ऊपर वैट भी था, हमारी लाइबिलिटी जो अकाउंट पेबल वो भी क्रिएट हुए थे। तो बैलेंस शीट में तो मुझे कुछ आइटम्स नजर आ रहे हैं। यहां पे जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूं तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सारी ट्रांजेक्शन जीरो है क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की। ये दिखाने का आपको मकसद क्या है? अब हम चलते हैं दोबारा से अपने यहां पर ये सेल्स में, और सेल्स में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हम यहां पर आ जाते हैं। यहां प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आते हैं और यहां पर आने के बाद हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमने अपना स्टॉक ऐड किया था रिस्ट वॉचेस का, उसके अंदर से हमारी दो तीन घड़ियां जो है वो रास्ते में जो है वो ब्रेक हो गई हैं, टूट गई हैं, हमारे पास स्टॉक आया था वो डैमेज स्टॉक है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर आके आप देखें मुझे ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, मैं यहां से भी एडजस्ट क्वांटिटी कर सकता हूं या मैं यहां से ऊपर आके यहां पर जो बैच एक्शन दिया हुआ है, बैच एक्शन में आके भी एडजस्ट क्वांटिटी कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एडजस्ट क्वांटिटी के अंदर आ जाता हूं। एडजस्ट क्वांटिटी में आने के बाद जो है मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होगी, ये देखिए मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई। अब मैं ये काम करता हूं, मैंने कहा था कि मैंने 1 जनवरी को जो है वो स्टॉक परचेज किया था, तो यहां पे मैं ये एजम्पशन लेता हूं कि वो स्टॉक जो है वो मेरे पास पहुंच गया था। लेट सपोज हम यहां पर कह देते हैं 5 जनवरी को, यहां पर हम कहते हैं 5 जनवरी को हमारे पास स्टॉक पहुंच गया था और जब हमारे पास ये घड़ियां पहुंची, हमारे पास 20 क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इन हैंड थी, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे पास उसमें से 20 में से जो दो थी वो जो है वो टूट गई थी रस्ते में, ठीक है। तो अब इसकी क्वांटिटी को हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, यहां पे क्वांटिटी ऑन हैंड 20 और अब जो न्यू क्वांटिटी हम करेंगे, दो टूटी हैं तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं 18, तो इसका मतलब है कि मेरी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो -2 हुई है। अब उसके बाद हम यहां पर अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ये स्टॉक श्रिंकेज का अकाउंट जो है वो सेलेक्ट किया होता है। अगर हम यहां से चाहें तो हम अपना कोई और अकाउंट भी जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं या हम अपना कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको थेफ्ट कह सकते हैं, अगर हमारा कोई इस तरह का स्टॉक है जो लॉस्ट बाय फायर हो जाता है तो हम इस तरह के अकाउंट जो है वो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके जो है वो एक्सपेंस के बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको जो है वो स्टॉक श्रिंकेज का नाम जो है वो दे देता हूं जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। अब ये तो हमारी होगी दो घड़ियां। अब अगर यहां पर हम नीचे जाएं तो हम कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जो हमने वुमेन्स वॉच की थी उसमें से भी जो है, यहां पर देखिए मैंने वुमेन्स वॉच सेलेक्ट किया तो आइटम और कोड भी उसने खुद बस खुद सेलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी। यहां पर मैं कहता हूं कि उसकी 10 क्वांटिटी थी, उसके अंदर से एक क्वांटिटी लॉस्ट हो गई है, तो इसका मतलब है जो बाकी क्वांटिटी बची वो 9 बची, तो हमारी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो -1, ठीक हो गया। अब यहां पर हमें एक मेमो भी दिया हुआ है और यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख देते हैं इन्वेंट्री ब्रेक, यानी कि जो इन्वेंट्री है वो हमारी टूट गई है, और यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो अब इसको जो है मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, अब इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक जो है वो अपडेट हो गया होगा। अब हम यहां पर आ जाते हैं, आप देख लें यहां पर मैं आए, यहां पर हम आए और यहां पर आके अब आप देखें जो हमारे पास मेंस की वॉच है, अब हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है 18, और इसी तरीके से जो हमारे पास ये वुमेन्स की वॉच होंगी, आप ये देखें यहां पर हम आते हैं और इसकी क्वांटिटी ऑन हैंड हमारे पास कितनी बच गई है अब 9। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरे पास जो है आपकी बैलेंस शीट थी और यहां पर ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस था। अब मैं इस स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश कर देता हूं, आप देखें यहां पर मैंने इस स्क्रीन को रिफ्रेश किया और अभी रिफ्रेश होके मेरे पास जो है वो दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा।
तो आप देखिए यहां पर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो हुआ है, और अब हमारे पास ये स्टॉक श्रिंकेज जो है वो देखें यहां पर वो आ रही है 60, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी -60 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो ये जो स्टॉक हमारा लॉस हुआ है वो एज एन एक्सपेंस जो है वो ट्रीट हुआ है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो ऐसे शो हो गया है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होती है अगर वो टूट जाए किसी भी चीज की वजह से वो किस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि हम अपने स्टॉक को जो हमारा स्टॉक फॉर एग्जाम्पल लो क्वांटिटी के अंदर है, जैसे ये हमारी एविएटर क्लासिक वॉच, ये लो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऑन हैंड जीरो है, इसको हम रीऑर्डर जो है वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम तब देखेंगे जब हम परचेज ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, अपने सप्लायर वाले सेक्शन में इसको हम तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। यहां पर ऊपर हम बैच एक्शन कहेंगे और बैच एक्शन में जाके रीऑर्डर पे आ जाएंगे, तो ये हमें अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर ले जाएगा, और वहां से वो परचेज ऑर्डर जो है वो बिल के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो जब हम अपने सप्लायर के सेक्शन के अंदर आएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये एक ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट जो है हम अपने कस्टमर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे।